morning to all. Welcome to my class in Standard 4, English 2. Chapter number 10, the conjunction part 3. Okay, so last video में part 2 में हमने conjunction को use करके sentences को कैसे join करना है, वो learn किया और कहाँ पे कौन सा conjunction use करना है. Okay, and we have also done the exercise number 1, underline the conjunction in the sentences. Okay. So we have completed to the exercise number 1 in the last video. Now we will continue this session by the exercise number 2. Okay. So exercise number 2 में आपको blanks में conjunctions fill up करने हैं. Okay. तो कौन सा conjunction कहाँ use करना है वो हमें देखना है कि दो sentence के बीच में कैसा relation है. Okay. दोनों अगर equal option है तो and use वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोज में है तो हम बट यूज कर सकते हैं. फिर रीजन रिजल्ट हम का है तो अगर रीजन के आगे ब्लैंक है तो बिकॉज यूज कर सकते हैं. रिजल्ट के आगे ब्लैंक है तो हम सो देयरफॉर कुछ भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2. टेक आउट योर नोटबुक टू राइट द एक्सरसाइज. These are the brackets. Okay. So there are
वापस आओ तब तक आप वेट करो, है ना। तो जब तक तब तक के लिए हमने देखा था आगे फर्स्ट वीडियो में कौन सा कंजक्शन आएगा, टिल कंजक्शन आएगा, टिल आई रिटर्न। हुआ तो हम यहाँ पे दो या ऑल दो यूज कर सकते हैं।
aaya. I did not go to school.
रिजल्ट का रिलेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको जो संकेतएं है वो बताई गई है कि ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा होगा, है ना, नहीं तो ये हो जाएगा नहीं तो वो हो जाएगा। तो कैसे ज्वाइन करना है, सी मस्ट वर्ब और सी विल फेल। सी मस्ट वर्ब और सी विल फेल, यहाँ पे हमने और यूज करके ज्वाइन किया।
16, you will fall from the stool. We will start a new lesson in the next video.